हाय फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं मिस मुस्कान और इनको नोज़ की प्रॉब्लम थी। आई थिंक सी हैव नेजल ब्लॉक अर्लियर। इनका ट्रीटमेंट हुआ, पर सबसे पहले तो मैं इन्हीं से जानना चाहेंगे कि इनकी जर्नी कैसे, इनको प्रॉब्लम थी, अब ये कैसा फील कर रहे हैं, आप बताओगे अपने बारे में? अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी 4 इयर्स तक, अब काफी अच्छा है ऑपरेशन के बाद में। आपको जब ऑपरेशन कराया तो डर नहीं लगा कि ऑपरेशन कराएंगे तो क्या होगा, बाल नोज के ऊपर निशान आएगा, ऐसा डर नहीं लगा? नहीं, थोड़ा थोड़ा लगा। बट अब कैसा फील कर रहे हो ऑपरेशन के बाद? अच्छे नाक से अच्छा ब्रीदिंग हो रहा है। हाँ। जिन जिन लोगों को नोज ब्लॉकेज रहता है, जो इलाज नहीं करा रहे, उनको क्या मैसेज दोगे? उनको करवाना चाहिए। यस, देखो दोस्तों, जो इन्होंने बताया अच्छी बात है कि अगर आपका नोज ब्लॉकेज रहता है तो हमें परेशान होने के बजाय हमें ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि नोज जो है भगवान ने सांस लेने के लिए बनाया, हमारे को अच्छे से ब्रीदिंग आना चाहिए। जैसे ये अभी नोज ब्लॉकेज की प्रॉब्लम खत्म है, आराम से जो है इनको ब्रीदिंग होती है, अच्छे से नींद आती है। जिनको नोज ब्लॉकेज रहता है वो सारे दिन भर इरिटेट रहते हैं, उनको जो है ब्रीदिंग नहीं आती, स्नोरिंग होता है। इसलिए आप अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और दूसरी बात सबसे बड़ी कि इसमें कहीं बाहर से कोई चीड़ फाड़ नहीं होती। जैसे आप इनका नोज देख रहे हो, नोज सुंदर है, बढ़िया है, पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। तो बहुत सारे लोग ये मिथ होता है कि मेरा नाक का ऑपरेशन कराऊंगा तो मेरा चीरा आ जाएगा, निशान आ जाएगा, तो मेरा नाक खराब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों क्या है कि अपने को जो है नोज ब्लॉकेज अगर आपको रहता है तो अपना ट्रीटमेंट अपने को कराना चाहिए। थैंक यू।